I am Yogendra Sharma from Fair English Classes. Today I am going to explain your poem of first chapter, second poem Fire and Ice. दूसरी पहले चैप्टर की दूसरी पोयम है जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो इसको आप देखें समझें, बहुत ही आसान पोयम है, इसको आप बड़े आनंद से समझ सकते हैं। बहुत ही देखिए ओनली 8 लाइन्स हैं, 8 लाइन्स भी कैसी हैं जिसमें किसी में तो ओनली 4 वर्ड्स हैं, तो बड़े आराम से समझ में आएगी। केवल इसको देखते रहें, लास्ट तक देखते रहें। पीछे भी हमने वो डाली है पोयम, कौन सी पोयम डाली थी पीछे हमने, डस्ट ऑफ स्नो, तो उसको भी मुझे लगता है कि आप लोगों ने देखा होगा। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, फायर एंड आइस। हालांकि इसमें आगे ये जो सिंबल हैं किसके हैं वो मैं बताऊंगा आपको। वैसे आप बड़ा नॉर्मल वर्ड है इनको, फायर माने आग होता है और आइस माने बर्फ होती है, हाँ आग और बर्फ। लेकिन इसमें इनकी तुलना किससे की गई है, देखिए फायर की तुलना की गई है किससे, डिजायर से, और आइस को कंपेयर किया गया है हेट से। हाँ तो अभी हम इसको बताएंगे, आगे देखते हैं वर्ड बाई वर्ड जब एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली लाइन कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, पोएट कहता है, जिसका पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। मैंने पिछली पोयम में भी बताया था कि आपको सबसे पहले पोयम का नाम पता होना चाहिए और फिर पोएट का नाम पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें पोयम का नाम है फायर एंड आइस और पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाँ तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोयम का नाम क्या है और पोएट का नाम क्या है। तो क्या कहता है पोएट इसमें कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा, आग से होगा। किससे बोलते हैं, आग से होगा संसार का अंत, सम से इन आइस, तो कुछ कहते हैं बर्फ से होगा। कुछ तो कहते हैं आग से होगा, कुछ कहते हैं बर्फ से होगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. लेकिन जो मेरी इच्छा है, यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं किसके पक्ष में हूँ, मैं हमेशा उन लोगों का पक्ष करता हूँ जो कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड का एंड किससे होगा, फायर से होगा, आग से होगा। अर्थात क्या है, मेरी वोट किधर जा रही है, हाँ फायर के पक्ष में। मैं किसको चुन रहा हूँ, फायर को चुन रहा हूँ। मीन्स फिर से हम 4 लाइन को देख लेते हैं इनको, कि कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड किससे होगा, खात्मा किससे होगा, आग से होगा, और कुछ कहते हैं बर्फ से होगा। लेकिन यदि मेरी बात पूछी जाती है, यदि मुझसे कहा जाता है, तो मेरी यही इच्छा है कि मैं उनके पक्ष में रहूं जो कह रहे हैं कि इसका अंत किससे होगा, आग से होगा। लेकिन एक चीज़ और है, सेकंड स्टेज देखते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन इट हेयर वर्ल्ड, इट का मतलब है यहाँ पर वर्ल्ड, लेकिन इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस माने 2 बार और पेरिश माने नष्ट होना, कि यदि इस वर्ल्ड का विनाश 2 बार हो, इस वर्ल्ड का विनाश 2 बार हो, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हैट टू से, तो यह कहने के लिए मैं इस बात को जानता हूँ, मेरा विचार है कि यह कहने के लिए घृणा भी बहुत है, जिससे दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, है कि उस यदि 2 बार विनाश हो तो उस दूसरी बार में विनाश के लिए कौन सी चीज़ पर्याप्त रहेगी, एंड वुड सफाइस, है बर्फ से ही उसका विनाश होगा और ये पर्याप्त होगा। मींस अब मैं आपको और क्लियर करता हूँ इसको, कि यदि इस संसार का विनाश 2 बार हो, है तो बर्फ का भी उसमें योगदान अवश्य होगा। मींस पहला देखिए, फायर मींस डिजायर, आइस मींस यहाँ पर जो हम जिसको कंपेयर कर रहे हैं, जिसको डिनोट कर रहे हैं, आइस का मतलब कर रहा हूँ हेट से, हेट रेट से। तो देखिए ये डिजायर, डिजायर भी ऐसी चीज़ है कि हम जितनी हम वो डिजायर करते जाते हैं, द मोर वी डिजायर, जितना हम डिजायर करते हैं इतना ही हमें और आशा लगी रहती है, द मोर वी हो, जितनी इच्छा इतनी आशा, जितनी इच्छा इतनी आशा, और इच्छा में ही व्यक्ति पागल हो जाता है। इच्छा करते करते ही एक समझिए एक उसका जो डंप ऑफ बॉम्ब के ढेर पर बैठ जाता है वो, और फिर विनाश होता है एक तरह से, क्योंकि इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता है। ऐसी घृणा, घृणा से भी तो सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, हेट से भी तो सारी चीज़ें समाप्त होती हैं। हेट से क्या होता है, हेट किसी भी चीज़ को, किसी भी उसको जो हेट से तो बहुत बहुत बड़े संबंध बिगड़ जाते हैं,
तो कहने का मतलब क्या है कि यदि इस संसार का दो बार विनाश हो तो बर्फ भी मीन्स आइस भी मीन्स हेट भी से भी यह पूरी तरह से पर्याप्त होगा, हेट भी उसके लिए पर्याप्त होगी उसका विनाश करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको इसका राइमिंग स्कीम बताता हूँ। राइमिंग स्कीम इसकी क्या होगी, देखिए पहले हम पढ़ते हैं पहली लाइन को कि सम विल से द एंड वर्ल्ड विल एंड फायर। तो इसमें फायर जो आ रहा है, अब हम इसको ए मान लेते हैं, फायर को ए मान लिया। ठीक है, अच्छा जी, फिर फायर के बाद में डिजायर आ रहा है तो हमने डिजायर को ए मान लिया, हमने डिजायर को ए मान लिया। फिर डिजायर के साथ साथ फिर नेक्स्ट लाइन में फायर आ रहा तो इसको भी हमने ए मान लिया। अब इसमें कुछ नहीं आ रहा ऐसा, ठीक है। अब हम दूसरी लाइन देखते हैं आइस, तो आइस के साथ कौन से आ रहा है, ट्वाइस, अर्थात इनको हमने बी मान लिया। आइस को हमने बी माना, ट्वाइस को बी माना, और फिर से आइस आ रहा है इसको भी बी माना, ऊपर आगे सफाइस आ रहा है तो इसको भी बी माना। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या बचा हमारा, हेट और ग्रेट, तो इसको हमने सी मान लिया। क्या मान लिया, हेट और ग्रेट को क्या क्या मान लिया हमने, सी मान लिया। तो अब इसकी हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी ए ए बी सी बी सी बी, तो ये आपकी राइमिंग स्कीम हुई। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।